हेलो माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मी रचिता एंड यू आर वाचिंग दैट क्लैम गर्ल रचिता। सो गाइस, इफ यू न्यू टू माय चैनल, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियोस एंड हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड द वीडियो यू गेट नोटिफाइड एंड यू कैन वॉच माय वीडियो। सो गाइस, लेट्स क्विकली स्ट्रेट डाइव इनटू द वीडियो। गाइस, फटाफट से ना कमेंट डाउन बिलो कि किस किस को हेयर फॉल होता है, हेयर की ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही है, बाल एकदम रूखे सूखे बेजान हो गए हैं, फ्रीजी हो गए हैं, हेयर से रिलेटेड काफी सारे इश्यूज अगर आपको फेस हो रहे हैं सो फटाफट से कमेंट डाउन बिलो। एंड गाइस, माइंड माय वर्ड्स, अगर आपको यूजफुल बेनिफिशियल और सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो आपको मिलेंगे 100% मनी बैक और मैं आपके लिए लेकर आऊंगी एक सोल्यूशन। तो मुझे पता है ढेर सारे कमेंट्स आने वाले हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो प्लान की थी आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम सब लोग सफर कर रहे हैं हेयर फॉल से, क्योंकि हेयर फॉल के ना बहुत सारे रीजन होते हैं, हेयर फॉल ही नहीं, हेयर में डेंड्रफ के भी बहुत सारे रीजन होते हैं और इन सारी चीजों से ना हम कहीं ना कहीं सफर कर ही रहे होते हैं। बट आज तक भी इतनी सारी अच्छी अच्छी महंगी चीजें यूज करने के बाद भी हमें यूजफुल रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। क्यों? क्योंकि हमें इतनी अवेयरनेस तो है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं और उसके इंग्रेडिएंट्स को देख लें कि भाई ये अच्छा है या नहीं है, बट हमने कभी भी इस चीज पे नोटिस नहीं किया कि ये इंग्रेडिएंट इसके अंदर है बट कितना है और उतना हमारे लिए, हमारे बालों की हेल्थ के लिए सही है या नहीं। इन सारी चीजों के ऊपर से पर्दा उठाते हैं। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे दो बहुत ही अच्छे हेयर ऑयल जो आपके बालों पे ना 100% असर करेंगे ही करेंगे। रिजल्ट्स मेरे बालों पे तो मैंने आपको दिखाई दिए कि कितने ज्यादा अच्छे हैं और बालों में हेयर फॉल नहीं है, हेयर की ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छी हो रही है और डैंड्रफ भी चला गया है, कोई इशू अब मुझे अपने बालों से रिलेटेड नहीं है। और आपको पता है आपके बाल ना एकदम जड़ों से मजबूत होते हैं और हेयर ग्रोथ भी आपको बहुत अच्छे से ना प्रमोट होती हुई दिखाई देगी क्योंकि विजिबल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। मैं आजकल यूज कर रही हूँ अर्क हेयर ऑयल, 100% आयुर्वेदिक है ये। क्यों? क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, सारे के सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स है ना जिन्हें सुन के आपको पता लग जाएगा कि हाँ इसके अंदर ये है तो ये काम करेगा। और काफी सारी चीजें होती हैं जो हम DIY करके अपने बालों में लगा लेते हैं बट हर चीज काम करे आपके बालों पे ये जरूरी नहीं है और हर चीज की जड़ी बूटी आपको मिल नहीं सकती, हर्ब्स आपको मिल नहीं सकती, उसको बनाने का तरीका क्या है वो भी हमें प्रॉपरली पता नहीं होता। बट इसके अंदर ना आपको ऐसे हर्ब्स मिल जाते हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं इसके जो आपके बालों पे, सबके बालों पे, मतलब मेन हो, विमेन हो, बच्चे हो, कोई भी हो, आप किसी भी एज ग्रुप के हो ना, ये ऑयल ना 100% आपके ऊपर काम करने वाला है, आपकी हेयर से रिलेटेड सारे के सारे इश्यूज दूर हो जाएंगे, इवन डैंड्रफ भी। सब कुछ लिखा है कि इसके अंदर क्या क्या है और जो भी हर्ब्स हैं या जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं सबकी क्वांटिटी परसेंटेज मेंशन है। आपको नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि जितने भी ऑयल्स मार्केट में मिलते हैं, भले ही बहुत महंगे हो, भले ही सस्ते हो, किसी भी ब्रांड के हो, अगर उसमें कोई इंग्रेडिएंट है ना, किसी का भी परसेंटेज मेंशन नहीं होता कि कितनी क्वांटिटी वो डाल रहे हैं। बहुत सारे ब्रांड है गाइज ऐसे मार्केट में जो क्लेम करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में 20 जड़ी बूटियां हैं, 10 हैं, 15 हैं, बट कौन कौन सी है सबके नाम नहीं होते हैं और अगर नाम होते भी हैं तो परसेंटेज मेंशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो डालते हैं बहुत थोड़ा थोड़ा, 0.2%, 0.4%, इनसे आपको ना रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। बट जो ऑयल मैं आजकल यूज कर रही हूँ ना, अर्क हेयर ऑयल, काफी सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं और सब की परसेंटेज मेंशन है, जैसे कि बॉटल गार्डन के अंदर रोज है, हर एक चीज ना आपको 4% से ऊपर ही मिलेगी और इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट तो होती ही है हमारे हेयर की। और ये ना हमारे बालों के लिए कंप्लीट मेडिसिन का काम करता है, कंप्लीट सुपर फूड है ये हमारे बालों के लिए। सो आप पैकेजिंग देख लो, ये ग्लास बॉटल है जिससे ना जो भी इसमें के अंदर हर्ब्स हैं वो कहीं रिएक्ट नहीं होने वाली। सबसे बड़ी बात है कि ये आता है ड्रॉपर फॉर्म में जिससे ना इसका एप्लीकेशन काफी आसान हो जाता है। और अब आप इसका कलर देखो, इसका कलर ना बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है और इसकी स्मेल भी ना काफी अलग है। अर्क हेयर ऑयल में हमें मिल जाता है जरूर रोज फ्लावर, बॉटल गार्ड जिसे हम दूधी बी बोलते हैं, एंड स्वीट नीम, आमला, हीना, रसवंती, ब्लैक सीड ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड चंदन। इतने सारे अच्छे बेस्ट इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर और सबका परसेंटेज मेंशन है कि किसके अंदर कितना क्या है, तो आपको पता लग जाता है कि आपके बालों में ना यूजफुल रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये स्ट्रेंथ बूस्टर हेयर ऑयल, इससे ना आपके बालों की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी होती है, आपके बालों की हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है, हेयर फॉल भी कम हो जाता है और बहुत सारे ऐसे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं इस ऑयल के यूज से। मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसका आर्गन ऑयल और 100% वर्जन कोकोनट ऑयल। और जब मैं बता रही हूँ आपको 100%, सो इसका मतलब है 100% वो नेचुरल चीज ही आपको मिलने वाली है। इसमें भी ना आपको बहुत अच्छे बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं जैसे
आर्गन ऑयल, 100% वर्जिन कोकोनट ऑयल, सेसमे ऑयल, आलमंड, जजोबा, अवोकाडो, जसवंत, रोज, दूधी, आमला, ब्रिंगराज, मका, सैंडल, आकाश बेल, रसवंटी, तुज करीली, जटामासी, मेहंदी पान एंड फेनुग्रीक इसका यूज करते हैं ना, तो आपको मिलते हैं बहुत सारे अच्छे बेनिफिशियल रिजल्ट्स बहुत ही आसान तरीके से। ग्लास बॉटल में आता है सर, कलर भी ना बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ये भी कंप्लीट आयुर्वेदिक ऑयल है। इसके जो हर्ब्स हैं, इसके अंदर जो आपको इंग्रेडिएंट्स मिलती है ना, वो 100% ओरिजिनल है, एक्सट्रैक्ट किए गए हैं बिल्कुल ओरिजिनली। खुशबू भी ना इसकी उसके अकॉर्डिंग ही है, और ये भी ना आपके बालों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। प्रॉपर फॉर्म में आता है जिससे एप्लीकेशन आसान होता है। अब मैं बता देती हूँ क्विकली कि इसको आपको अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि दोनों का एप्लीकेशन सेम ही तरीके से आपको करना है। इसको आप अप्लाई करोगे फर्स्ट वीक में 5 times डेली एट नाइट, और सेकेंड वीक में आपको उसको यूज करना है 3-4 times इन अ वीक, एंड जब थर्ड वीक आ जाता है ना, तो आप इसको यूज कर सकते हो 2x a week, और जब फोर्थ वीक आ जाता है, मतलब महीना पूरा होने वाला है आपको उसको यूज करने का, तब आप चाहो तो 1x a week भी इसको यूज कर सकते हो। और अगर आप इन दोनों ऑयल्स का यूज इसी तरीके से करते हो ना, पूरा मंथ करते हो रेगुलरली, तो आई एम श्योर जो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो ना वो मिलेंगे, नहीं तो 100% मनी बैक की गारंटी तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और इनमें किसी भी टाइप का ना कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है, पैराबिन्स नहीं है, कोई ऐसा फैंसी एडिटिव्स भी ऐड नहीं किया गया है जो सिर्फ इसको कलर दे और इसको कोई गुण ना दे। जो ऑर्गा का स्ट्रेंथ बूस्टर हेयर ऑयल है ना, इससे आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ये आपकी हेयर ग्रोथ को काफी अच्छे से प्रमोट करता है और फास्ट हेयर ग्रोथ करने में भी बहुत हेल्प करता है। डैमेज हेयर को हील करता है, आपकी जो रूट्स होती है ना उसको काफी अच्छे से नरिशमेंट देता है, फ्यूचर में भी डैमेज होने वाले बालों से भी ना ये आपको प्रिवेंट करता है। सो मैं तो इसको लगा रही हूँ ऑलमोस्ट 1 month से, और मेरे बालों में ना विजिबल रिजल्ट्स तो आपको दिख ही रहे हैं। बट हाँ, में से कोई भी ऑयल का यूज करो ना, सो आपको हेड वॉश करना है नेक्स्ट डे। मैं यूज करती हूँ अर्क का ही शैम्पू, क्योंकि वो भी 100% नेचुरल है और वो बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आ रहा है मेरे बालों पे। तो अगर आपको चाहिए कि ऑयल के जैसा ही रिव्यू मैं शैम्पू का भी आपके साथ शेयर करूं, सो कमेंट डाउन बिलो, मैं शैम्पू भी आपके लिए लेकर आऊंगी, क्योंकि मैं वो भी कंटिन्यूअसली यूज कर रही हूँ। एंड एडिशनली ना मेरे पास इनका हेयर मास्क भी है, और वो तो वंडर्स करके लेकर आता है आपके बालों के लिए। मतलब कोई भी हो आप, कैसे भी आपके बालों का टेक्सचर हो ना, हर एक बालों के टेक्सचर पे इनके हेयर केयर प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से सूट करते हैं, और ये तो गारंटी है। ये आपको मिल जाता है 100 ml का, और ये आपको मिल जाता है 90 ml प्रोडक्ट है इसके अंदर। डोंट बी स्केयर्ड, कोई भी प्राइस आपको ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि मार्केट में ना इससे भी ज्यादा महंगे महंगे प्रोडक्ट्स आते हैं, ऑयल आते हैं, जिनको आप खरीदते हो बहुत आसानी से भ्रमित हो जाते हो लेने के लिए, और लेते हो रिजल्ट्स आपको कुछ भी नहीं मिलते। बट अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे ना, आपको 100% रिजल्ट भी मिलेंगे, और आप खुद आके मेरे को बोलोगे कि हाँ वो प्रोडक्ट काम किया था, हमें दोबारा भी लेना है। कि मैंने भी ना काफी कुछ ट्राई किया है हेयर के लिए, काफी कुछ और बहुत समय से ट्राई किया है, बट सब में इना क्या होता है, या तो आपके बाल झड़ने लगते हैं, बालों का टेक्सचर आपको अच्छा नहीं मिलता, फ्रिजीनेस हो जाती है, बहुत सारे ऐसे इशू हो जाते हैं जो हमें सूट नहीं करता है हमारे बालों पे। बट इसका जो कॉम्पोजिशन है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो परसेंटेज मेंशन की है ना, वो हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट है, और हर किसी के बालों पे ना ये सूट करेंगे ही करेंगे। मेरे पास तो है ये दोनों काफी अच्छे और बेस्ट रिजल्ट देने वाले हेयर ऑयल। अब आपकी बारी है, और आपको चूज करना है कि आपको बाजार में केमिकल से भरपूर महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज करने हैं, या फिर आयुर्वेदिक चीजें यूज करनी है अपने बालों के लिए। दोनों ही प्रोडक्ट्स का ना बाइंग लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया, तो वहां से आप चेक कर सकते हो। चलिए चलती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे बाद में किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाबा, चेक करें। तब यू ऑल गाइस।